दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप Realme C21 जिसका RMX वर्जन 3201 है, उसका पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा हुआ है अगर, तो उसको कैसे तोड़ सकते हैं फ्री में, बिना किसी को एक रुपये दिए, किसी दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप अपना लॉक तोड़ सकते हैं अपने Realme C21 का, ठीक है, जिसका RMX वर्जन 3201 है। तो उसका लॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, कोई भी लॉक लगा है, तो उसको कैसे तोड़ सकते हैं बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास Realme C21 मॉडल, और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें लॉक लगा हुआ है। मैं पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखा देना हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से मैं पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ, बट ये पैटर्न खुल नहीं रहा है। तो इसका तरीका क्या है, कैसे इसको अनलॉक करेंगे बहुत ही ईजिली, और अगर आपके फ़ोन में पैटर्न को अनलॉक करने के बाद, फिंगरप्रिंट को अनलॉक करने के बाद, या फिर जो भी लॉक था, पैटर्न, पिन, पासवर्ड, जो भी लॉक था, उसको लॉक के तोड़ देने के बाद अगर आपसे फिर से लॉक मांगता है, तो उसका भी सलूशन मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसका लॉक तोड़ने से पहले अगर आपको, या फिर आपके शॉप पर, या फिर आपके पास कोई भी फ़ोन है, ठीक है, और वो Realme का है, या फिर Oppo का है, या फिर OnePlus का है, ठीक है, Realme, Oppo, OnePlus का है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको उसका मॉडल नहीं पता है। और यहाँ पे जो, यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पे चिट लगी होती है, जो एक पेपर लगा होता है जिसपे इसका मॉडल नंबर, एग्जैक्ट IMEI नंबर लिखा होता है, वो नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके हाथ में जो फ़ोन है Realme का है, या फिर Oppo का है, या फिर OnePlus का है, तो वो मॉडल कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में ये भी कि अगर आपके पास Realme, Oppo, OnePlus का कोई भी फ़ोन आ जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि आपके पास जो फ़ोन है वो कौन सा मॉडल एग्जैक्टली है। तो दोस्तों आपको सिंपली आपका फ़ोन लॉक है, इस तरीके से स्वाइप अप करेंगे, तो आपको फिर से ड्रॉ करने के लिए पैटर्न आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आ गया ना। तो इमरजेंसी का एक बटन है, इमरजेंसी कॉल का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रहे ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा या चैनल या फिर मैं नहीं देता। अगर आप किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो सकते हो, खुद होंगे, और आपको जेल भी हो सकती है। तो प्लीज़ किसी भी तरीके के चोरी के फ़ोन, कोई भी ऐसे फ़ोन को अनलॉक ना करें। तो इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है *#899#, ये डायल कर देना है। आपके फ़ोन में जो भी आपका Realme का होगा, Oppo का होगा, OnePlus का होगा, उसमें इंजीनियर मोड खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये डिपेंड नहीं करता है कि मॉडल कौन सा, ये बस डिपेंड करता है कि Oppo, Realme, OnePlus का डिवाइस होना चाहिए। अब *#899 डायल करने के बाद इंजीनियर मोड खुल जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर वर्जन का, सॉफ्टवेयर वर्जन पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपका फ़ोन Realme का होगा तो यहाँ पे लिखा होगा RMX, ठीक है, यहाँ पर देखिए RMX, उसके आगे जो लेटर लिखा होगा वो होगा इसका एग्जैक्ट मॉडल। अगर आपको इसका मॉडल कन्फर्म करना है तो आप कोई फ़ोन लीजिए, उसमें लिखिए उसका मॉडल RMX, और अगर अगर Oppo है तो यहाँ पे RMX की जगह CPH लिखा होगा वहाँ पर आप, और OnePlus होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे आप, ठीक है, आप इसको सर्च करेंगे आपको एग्जैक्ट मॉडल पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको लॉक को अनलॉक करना बताता हूँ। ये आपके पास फ़ोन है, फ़ोन को करना है स्विच ऑफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, पावर ऑफ को स्लाइड डाउन कर देना है। तो अब ये फ़ोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका है, पावर ऑफ हो चुका है, बंद हो चुका है। अब आगे क्या, तो सिंपली जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे इस फ़ोन की बटनों को, ठीक है, इस फ़ोन के बटन के
लेआउट को समझ लीजिए। पहले ये है पावर लॉक ऑन लॉक बटन, ये है वैल्यूम डाउन बटन और ये है वैल्यूम अप बटन। तो आपको क्या करना है, इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में लेकर जाना है। लेकिन रिकवरी मेनू में लेकर जाने के लिए बटन कौन से काम आती है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो ये वैल्यूम डाउन बटन, ये बटन पहले आप दबाइए इस तरीके से। अब पावर बटन को दबाइए, ठीक है, इस तरीके से। जब आपको रियलमी का लोगो दिख जाए आपको यहाँ पर छोड़ देना है पावर बटन, लेकिन वैल्यूम अप बटन को दबा के रखना है। जब यहाँ पर रिकवरी मोड देख लीजिए, यहाँ पर रिकवरी मोड लिखा हुआ आ जाए आपको सारे बटनों को छोड़ देना है। अब ये ऑटोमेटिकली जो आपका फ़ोन खुलेगा वो आपका रिकवरी मोड में खुलेगा। यहाँ पे ऊपर चाइनीज में लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश लिखा हुआ है ना, इंग्लिश पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है रियलमी यूआई रिकवरी, इसका मतलब कि ये जो फ़ोन है वो रियलमी यू के रिकवरी मोड में है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा वाइप डेटा, यहाँ से किसी पे क्लिक ना करके वाइप डेटा पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे बोला वाइप डेटा और वाइप डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो बच जाएंगी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है। अब आपको कुछ भाइयों को समझ नहीं आएगा कि वेरिफिकेशन कोड कौन सा डालना है, क्या अगर हमारे फ़ोन में पिन कोड लगा तो क्या वो डालना, नहीं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पर देखिए ये कोड आएगा, यही कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। लेकिन ध्यान रहे ये कोड हमेशा चेंज होता रहता है। कैसे, बैक कर दिया मैंने, फॉर्मेट डेटा, कोड चेंज हुआ, बैक किया मैंने, फिर से क्लिक किया 1916। तो अब यही कोड हम एंटर करेंगे 1963, ठीक है। अब फॉर्मेट का ऑप्शन है, लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डाटा होगा जस्ट लाइक फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन आपके मेमोरी कार्ड का डाटा कोई डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। सिंपली फॉर्मेट पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे वाइपिंग लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ गया, ठीक है, प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है वाइप इट सक्सेसफुली, जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक किए तैसे ही फ़ोन ये आपका रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। अब आपको दिखेगा रियलमी का लोगो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरी तरीके से देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करी है कि किस तरीके से बहुत ही ईजिली बहुत ही आसानी से आप अपने रियलमी C21 का लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास रियलमी C21Y भी फ़ोन है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप YouTube पे जाइए, YouTube में जाकर लिखिए बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट स्पेस रियलमी C21Y। उसके बाद अगर आप लॉक तोड़ने की वीडियो देखना चाहते हैं तो हार्ड लिखे रीसेट, हार्ड रीसेट लिखिए। अगर आप FRP यानी कि फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन या फिर गूगल वाली आईडी वाला जो लॉक लग जाता है उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा FRP बाईपास, आपको वीडियो मिल जाएगी बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के। मैंने बाईपास करना सिखाया है, बताया है कि कैसे आप बहुत ही ईजिली किसी भी तरीके से कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही ईजिली घर बैठे अपने फ़ोन की FRP को अनलॉक कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। तो होपफुली आप मेरी वीडियोस को देखकर कुछ तो सीख पा रहे होंगे। अगर वाकई आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तभी इस वीडियो को लाइक करना, वरना वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें। वीडियो में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर किया करें, एंड वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही कन्फ्यूजन हो कि आपके फ़ोन की प्रॉब्लम लॉक से रिलेटेड हो, आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है आपके फ़ोन में, तो आप कमेंट कीजिए, विद इन 15 मिनट में आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं मैं।
अगर आपके कमेंट का रिप्लाई मैं देरी से देता हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, इस वजह से मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता। लेकिन मैं ज़्यादातर 99.99% मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई विद इन 15 मिनट देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे पास है रियलमी का डिवाइस, रियलमी से 21। अब ये फ़ोन रीसेट हो रहा है, हार्ड रीसेट हो रहा है, या फिर यूँ कहें फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। तो जब आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो रहा है, तो जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ होके ऑन होगा, तो इस बार आपके फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट का टाइम लग सकता है। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, परेशान ना हो, एकदम पैनिक नहीं होना है आपको। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो में कोई भी पार्ट अनवांटेड लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस पार्ट को मैं ट्रिम करने की कोशिश करूँगा। या फिर आपका कोई वैल्यूएबल फीडबैक हो, आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको उसको अपने वीडियोस में ऐड ऑन करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लंबा तो मैंने बनाया है, लेकिन उसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं। पहला रीज़न दोस्तों ये है कि मैं वीडियो को लंबा इसलिए बनाता हूँ ताकि हम इस वीडियो को डिटेल में समझ पाएँ कि एक्चुअल फ़ोन को जब लॉक तोड़ते हैं तो उसके बाद से फ़ोन को ऑन होने में कितना टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में दिखा दिया कि ये फ़ोन तुरंत हो गया, स्किप करके ऐसा ऐसा करके हो गया। तो दोस्तों, मैं चाहता तो दिखा सकता था, लेकिन यही चीज़ें दूसरे चैनल से मुझे थोड़ा सा एडवांटेज देती हैं कि मैं सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बाकी सारे चैनल्स का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने चैनल पे ये कोशिश करता हूँ कि वीडियो को कहीं से कट डाउन ना करी जाए, कुछ चीज़ें ट्रिम ना करी जाए, क्योंकि एक्चुअल कितना टाइम लगता है एक फ़ोन को अनलॉक होने में वो आप लोगों को भी पता लगना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि फ़ोन आपका रीस्टार्ट हुआ और उसके बाद ऑन होने बाद रिकवरी मेनू पे, सॉरी रियलमी के लोगो पे रुक गया। तो रियलमी के लोगो पे जब रुक गया है तो अब आपको कन्फ्यूजन हो रही है, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, जब आपका फ़ोन नहीं खुला तो हो सकता है कि आप फ़ोन को बटनों के थ्रू ऑन करने के या फिर रिस्टार्ट करने के कई सारे ऑप्शन को ढूंढें, कैसे इसको सही करा जाए, काफ़ी सारे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी हो लेकिन डिटेल्ड वीडियो हो, ठीक है। एक बार वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना झेलनी पड़े, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा जरूर होता है लेकिन एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। होपफुली मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे और मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर फिर भी आपको समझ ना आया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप मुझे कॉमेंट करके बता दिया करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाना या फिर बनवाना चाहते हैं, किस फ़ोन के लिए। होपफुली अगर वो फ़ोन मेरे पास अवेलेबल रहा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ समझा करें, जो फ़ोन मेरे पास नहीं होता तो मैं वीडियो नहीं बना पाता, दैट्स वाई। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैंने नंबर अपना दे रखा है, अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो प्लीज़ कभी ये ना कहा करें कि मेरे पास चोरी का फ़ोन है या फिर मेरे पास कोई केजी वाला फ़ोन है या फिर फाइनेंस लॉक है, उसको कैसे अनलॉक करना। मैं ये सब काम नहीं करता दोस्तों, तो प्लीज़ किसी भी तरीके का फालतू कमेंट, फालतू का मैसेज ना करा करें, जैसे कि किसी का केजी लॉक यानी कि फाइनेंस लॉक, उसको हटवाने के लिए मेरे पास कमेंट ना करें, ना फिर कॉल करें, ना मैसेज करें। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जो चोरी का है, उसके लिए मुझे बिल्कुल भी कॉल ना करें, बिल्कुल भी कॉल ना करें दोस्तों, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को ना करता हूँ ना प्रमोट करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को जब भी देखें एंड तक देखें ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि वीडियो लंबी है तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जो भाई मेरे वीडियोज़ को पूरा देखते हैं उनको एग्जैक्ट पता होता है कि किस तरीके से और कितना टाइम लेता है ये फ़ोन ऑन होने में, ठीक है। तो होपफुली मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रियलमी का लोगो अभी भी है, स्टिल आपका रियलमी का लोगो अभी भी है, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि
कि कैसे इस फ़ोन को सेटअप करा जाएगा, फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लग जाएगा, सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि मैं चाहता तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में बना सकता था दोस्तों, लेकिन डिटेल बनाना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों तक एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस पहुँचे। तो दोस्तों होपफुली मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। एक जो भी फ्रेशर, जब भी जिसको मोबाइल के बारे में आइडिया नहीं है, अगर वो फ़ोन उसका फ़ोन 3 से 4 मिनट तक हैंग ऑन लोगो या फिर रियलमी के लोगो पे अटक जाएगा तो उसको घबराहट पैदा हो जाती है, वो घबराने लगता है कि मेरे फ़ोन में क्या हो गया। तो दोस्तों दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ना ज़रूरत पड़े और आप डिटेल में सीख पाएँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 15 से 16 मिनट हो चुके हैं लेकिन फ़ोन अभी तक ऑन नहीं हुआ है। तो दोस्तों इतना करीबन टाइम लग जाता है फ़ोन को ऑन होने में। फाइनली इस तरीके का ऑप्शन आया, मैंने कुछ भी नहीं क्लिक किया, कुछ भी टच नहीं किया, अब ये फ़ोन एक बार फिर से वाइब्रेट करके खुल जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपका फ़ोन डेडली खुल जाएगा और कभी कभी एक बार वाइब्रेट होकर फिर से फ़ोन रीस्टार्ट होगा और खुलेगा। तो बिल्कुल इन सब बातों का आप ध्यान दें, इसीलिए मैं वीडियो लंबी बनाता हूँ ताकि उसमें आपको डिटेल में समझा तो सकूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश किया करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं कितनी डिटेल में आप तक एक्सप्लेन करके पहुंचाता हूं, आपको समझना होगा, ठीक है। दोस्तों इन सब बातों का आपको ध्यान में अगर आप रखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात आपको एक और बता देता हूं कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर के लिए कोई भी फ़ोन आता है तो उससे आईडी और उसके डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लें, ठीक है। ऐसे अनलॉक ना करें कुछ चंद पैसों के लिए, क्योंकि आप फंस जाएंगे। फाइनली आपका फ़ोन खुल चुका है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेटअप की बारी है, यहाँ पे चेक करेंगे, नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाए, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये जो बारी आती है, ये अगर स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर स्किप पे क्लिक करने के बाद इंटरनेट मांग रहा है, इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद ईमेल आईडी या फिर पुराना वाला लॉक मांग रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में, जब वीडियो ख़त्म होगी या फिर वीडियो के आई बटन में लास्ट के थोड़ी देर दूर पे मैंने वीडियो को लगा रखा है, वहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो से अपने फ़ोन की FRP बाईपास करना सीख जाएंगे। स्किप बटन में क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से जाएंगे मोर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लेटर का ऑप्शन है, लेटर पे मैंने क्लिक कर दिया, लेटर बटन पे क्लिक कर दिया, एंड देन अगेन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दे नेक्स्ट, और इस तरीके से आ चुका है वेलकम, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, एंड दैट्स इट। आपके फ़ोन का लॉक टूट चुका है, आपके फ़ोन में किसी भी तरीके का कोई भी लॉक नहीं बचा है, आपका फ़ोन फुली फंक्शनल है, अब आप जैसे चाहें इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, सेटिंग में लेकर चलता हूँ आपको, अबाउट फ़ोन में, यहाँ पर आप डिटेल देख पा रहे होंगे, रियलमी C21, ठीक है, रियलमी C21 RMX 3201, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको और मिल जाती हैं, जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन और भी काफ़ी सी चीज़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।